नहीं कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करना स्वीकार किया है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दो शब्द अपने बारे में कहें। लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिंह, प्रिय प्रेस के भाइयों और बहनों, कुछ दिन पहले प्रशांत जी से मेरी मुलाकात हुई और जिस तरह से ये काम बिहार में कर रहे हैं, हर बिहारी उसको फॉलो कर रहा है और मैं भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था उनसे कि वे और उनकी टीम गांव-गांव जा कर के पिछले 2.5-3 साल से मंथन कर रहे हैं और ऐसे कैंडिडेट्स के लिए खोज रहे हैं जो कि सचमुच में देश की सेवा करना चाहता हो, जिसकी छवि ठीक हो और उस तरह से, क्योंकि कैंडिडेट ही सब कुछ है, उसके साथ अपनी पार्टी में बनाकर बिहार के पॉलिटिक्स को अच्छा कर सके। ये जो उनका संकल्प और साधना है ये मेरे को बहुत अच्छा लगा और दिल को भा गया और दिल से मैं उनके हर प्रोग्राम को फॉलो करता था, देखता था। लेकिन देखिए, ये भाग्य की बस होता है कि तरारी विधानसभा की सीट खाली हुई, उसी में मेरा गांव है और मेरी बहुत जो है यादें उसके साथ लगी हुई हैं। मैं गांव के साथ लगा रहूं हमेशा, आप हमारे गांव से पूछिएगा। शुरू में मेरी परवरिश एक साधारण परिवार में, किसान के परिवार में, मेरे पिताजी किसान थे, वहाँ पर मैंने प्राइमरी स्कूल किया और हाई स्कूल सुरपुरा में गए जहाँ मेरे चाचा जी टीचर थे, वहाँ से मेरा सिलेक्शन हो गया राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून के लिए। बिहार से एक ही सीट होता था, हम तो ट्रेन वगैरह कहीं नहीं बैठे थे, सीधे सुरपुरा से पहुंच गए देहरादून। उसके बाद मैं फौज का कैरियर चलता रहा, एनडीए किए, आईएमए में थे, टॉप ब्रैकेट में थे, तो मेरे से पूछा गया कि आप क्या ज्वाइन करना चाहते हैं। उस समय मैं बहुत प्रभावित था फील्ड मार्शल मानेकशॉ से, तो मैंने फील्ड मार्शल मानेकशॉ की रेजिमेंट 8 गोरखा राइफल्स ज्वाइन की और एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट दिल्ली में पोस्ट, जब मैं पोस्ट हुआ तो उनसे मिलने का मौका मिला। वो मेरे आइडियल बने रहे और आगे की कहानी कहने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जब वो 2008 में उनका देहांत हुआ तो मैं उनके साथ था 4 दिन और वो हमारे रेजिमेंट के पहले कर्नल ऑफ द रेजिमेंट होते हैं, कर्नल फादर फिगर होता है और मैं 8वां कर्नल ऑफ द रेजिमेंट था जिनके हाथों में उन्होंने दम तोड़ा, तो मेरा लगाव उनके साथ हमेशा लगा रहा। फिर उसी बटालियन को मैंने कमांड किया। इंडियन आर्मी के जो लोग जानते हैं, सबसे कठिन इलाका होता है सियाचिन ब्रिगेड, मेरे को सियाचिन ब्रिगेड कमांड दिया गया सबसे ज़्यादा टेन्योर के लिए, टाइम के लिए। उसके बाद मैंने कोपोड़ा डिवीजन में कमांड किया जहाँ पर कि 2005 में अर्थक्वेक आया था, वहाँ का पूरा रिहैबिलिटेशन करवाया। जनरल सिन्हा जो होते थे उस समय गवर्नर होते थे और मेरे को वहाँ के अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। उसके बाद मैं उसी रैंक में पुणे गया, साउथ सदर्न कमांड में, जहाँ पर कि
मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स किया जा रहा था पहली बार, उसका पूरा संचालन मेरे हाथों में था और बहुत अच्छा अच्छा प्रेज हुआ। उसके बाद में मैंने लेह का, जो कि हमारे इंडियन आर्मी का सबसे कठिन और सबसे बड़ा कोर है, उसका कमांड दिया गया। उस समय चाइनीज का जो बिल्डअप हो रहा था उसके लिए पूरा आर्मर्ड रेजिमेंट्स और टैंक्स, उस समय मेरे को, मैं अपना श्रेय ले सकता हूँ कि मैंने उसको इंडक्ट कराया। वहीं पर वो जो बॉर्डर के जो बना हुआ डिफेंसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं वो उस समय स्टार्ट किया गया, जबकि अब बहुत अच्छे क्वालिटी के हो गए हैं। उसके बाद मैं आर्मी कमांडर बन करके जयपुर में गया। जयपुर में एक साल काटने के बाद में मेरे को दिल्ली में वाइस चीफ के तौर पर मिला लिया गया। वाइस चीफ के तौर पर जब मैं था तो उस समय उत्तराखंड का जो त्रादशी हुई थी उसका पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल मैं ऑप्स रूम से किया। और उसके बाद जब मैं रिटायर किया 2013 के अंत में, एक दिन भी गैप नहीं था मेरे लिए। 4 साल के लिए मेरे को आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के तौर पर वहाँ पर नियुक्ति किया गया। अब जब मेरा पूरा 41 साल फौज की नौकरी, 4 साल जज की नौकरी, यह सब पूरा होने के बाद जब मैंने पीछे देखा तो मैंने कहा कि अपना मैंने फर्स्ट इनिंग्स जितना हो सकता था देश की सेवा में लगा दिया। अब सेकेंड इनिंग्स में मेरे को अपने गांव की तरफ जाना है। तो मेरा जब प्रशांत जी ने ये प्रपोजल दिया तो मेरे को लगा कि अब मैं इसी के लिए देख रहा हूँ कि जो बचा खुचा समय है वो वापस अपने समाज को देने में बिताऊँ। तो जब मैंने अपने गांव से पूछा तो गांव में बहुत उत्साहित हुए लोग, सब लेडीज़ वगैरह पूरा घर भर गया। सबका यही था कि बबू अब तू जा, हमने के लाइफ अच्छा करो। ये जो है ये दिल को छूने वाली बात है। एक हमारे कर्नल साहब थे राजेश सिंह, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि सर हम आपके गांव गए थे और उससे पीरों में पूछ रहे थे कि करत गांव जाने का रास्ता कौन सा है। तो उस लड़के ने बोला अच्छा आप जनरल साहब के गांव जाना चाहते हैं। दिल्ली नोएडा जहां मैं रह ये था वहां कोई नहीं जानता मेरे को, लेकिन यहां अभी भी मेरे को लोग उतनी प्यार और इज्जत से याद करते हैं। अभी मेरा समय है कि उस प्यार और इज्जत को वापस करूँ। बच्चे मेरे सेटल हो गए हैं, वाइफ नहीं है, तो अब मैं अपना समय सेवा में उस समाज को देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे को इस लायक बनाया। कौमी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ प्रेस, इट इज़ अ टाइम टू पे बैक टू द सोसाइटी विच हैज मेड मी व्हाट इट इज एंड टू इंश्योर the growth of Bihar on the models and on the dreams of Prashant ji and Jan Suraj, and let us bring a very clean and healthy politics so that our country and our state and our district and villages do as well. Jai Bihar, Jai Hind. Ek sawal hai aapse. Agnivir ke